जोहार दोस्तों, मैं सावित्री, मैं गणेश जी और हमारे गणेश सावित्री की जोड़ी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज आप बोलिए गणेश जी। और आज आपको एक विशेष बहुत स्पेशल सुबह सुबह नाश्ते के लिए, शाम को भी कर सकते हैं ऐसा। दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल पोहे की, जो जाड़ा पोहा रहता है उसकी जो रेसिपी है, मतलब एक चूड़ा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आप कभी भी खा सकते हैं। फ्राई चूड़ा और टेस्टी और साथ में हेल्दी भी, क्योंकि इसमें जो मैं डालूंगा उससे वो हेल्दी बनेगा। जी जी, जी तो वो आप सुबह शाम कभी भी नाश्ता कर सकते हैं। वही बोल ली जा रही, देखिए ये एनी टाइम आप खा सकते हो। और ये जो नाश्ता बनाएंगे मेरे गणेश जी, बच्चों से लेके बूढ़ों का ये फेवरेट होता है। और अब वो देखिए कि कैसे बना सदाबहार नाश्ता। जी बिल्कुल। धनिया ले लिया है, खड़ा धनिया, धने बोलते जिसको, तिल्ली ले लिया, ओवा ले लिया है और इसमें है जीरा, इसको मैं अभी रोस्ट करूंगा, मतलब भूनूंगा गैस पे हल्का हल्का। सबसे पहले दोस्तों आपको मार्केट से ले लेना है जाड़ा पोहा, जो कि ऐसे मोटा चूड़ा है। चूड़ा भी बोलते हैं, जाड़ा पोहा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि मार्केट में दो प्रकार के पोहे मिलते हैं, एक पतला और एक जाड़ा। तो हाँ। जाड़ा पोहा लेना है, जिसको चूड़ा भी बोलते हैं। जाड़ा बोले तो मोटा पोहा। आप लोग की जीजाजी जैसे, मेरे जैसे कचरा भी रह सकता है करके इसको थोड़ा सा छान लेना है। आधा किलो पोहा मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले आधा किलो पोहे को छान लूंगा। दोस्तों इधर से मैंने धनिया, धने, ओवा, तिल्ली, जीरा ये सब ले लिया है। इसको मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगा, बारीक करूंगा। और इसी में मैं साथ ही में थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, मैं डालूंगा लाल मिर्च पाउडर, अलग घुमाने की जगह इसी में डाल देने का, है ना, अच्छे से मिक्स हो जाता। और थोड़ा सा इसी में नमक भी डाल देता। अब इन सबको पीस लेना है अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मेरा जबरदस्त टेस्टी पाउडर तैयार हो चुका है। सच में फ्राई करने के बाद अगर इसको पाउडर बनाया जाए तो इसकी खुशबू अलग आती है। और इस पाउडर को आप लगा भी सकते हैं? नहीं लगा नहीं सकते। मेरे लिए तो नहीं ना बोल रहे स्पेशली क्या? नहीं नहीं, मेकअप पाउडर है। इधर से मैंने पोहा छान के रेडी कर लिया है, जाड़ा पोहा, सिंगदाना लिया है, दालिया लिया है और ये दो, एक सेंधा नमक है और एक काला नमक है, ये बाद में डालना है, पहले इन सबको फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी इन चीजों को फ्राई कर लेता हूँ। थोड़े से काजू लिए, ड्राई फ्रूट अगर आपको लेने हैं ले सकते, नहीं तो इसको हटा सकते जी, जी। लेकिन ये मूंगफली दाना और डालिया ये कंपलसरी जी जी। इसको फ्राई कर लेते, एक एक करके फ्राई निकाल लेते हैं। एक दो तीन चार पांच, ये ठीक है, दो ज्यादा फ्राई, एक थोड़ा ज्यादा, हाँ उसको साइड कर देना है। अब इधर से मूंगफली को अपन करेंगे फ्राई, सिंगना मूंगफली को थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना, तो थोड़ा मैरून होने देना है, फिर निकाल देना। इधर से डालूंगा दालिया, इसको भी फ्राई कर लेना है, जैसे कि अपन ने उन दोनों को फ्राई कर लिए, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना। इधर से मेरा दालिया भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, ज़्यादा इसको भी फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना और इसको मैं निकाल लूँ। और ये हमारी न्यू कढ़ाई का उद्घाटन। और अब मैं इसमें फ्राई करूँगा हरी मिर्च, इधर से मेरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है और मैं अभी इसे बाहर निकाल रहा हूँ। ये एकदम, ये भी लाल नहीं करनी, थोड़ी सी फ्राई करनी। और अब मैं मीठी नीम का पत्ता फ्राई करूँगा। और इधर से मेरा मीठी नीम भी फ्राई हो चुका है, ये भी हमने निकाल लिया। और दोस्तों अभी मैं पोहा फ्राई करूंगा, जैसे सब कुछ फ्राई कर लिया, अभी ये पोहा बारीक थोड़ा थोड़ा डाल के, एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। और अभी इसमें मैं डालूंगा पोहा, पोहा थोड़ा ज्यादा आंच पे नहीं करना क्योंकि जल सकता है, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच में है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो।
तो ये मैंने पोहा पूरा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मेरे को ये जो मैंने पहले बनाया था तिल्ली ओवा जीरा लाल मिर्ची हल्दी ये सब डाल के धनिया पाउडर इसको ये कर इसमें डालने का है। इसके बाद इसमें डालने का है और इसके बाद इसमें डालने का है स्वाद अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक, बस ज़्यादा नहीं डालना है स्वाद अनुसार। और इसके बाद इसमें डालना है और इसके बाद डालना है थोड़ा सा चाट मसाला जो मैंने बाजार से लिया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अब अपन ने जो पहले फ्राई किया था शेंगदाना डालिया काजू ये पत्ते हरी मिर्ची ये भी इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो इसमें हल्दी दे सकते हैं, हम कम नहीं है, कोई ज्यादा भी देता है कोई कम भी देता है। तो दोस्तों इसमें मैंने हल्दी थोड़ी कम दी है, अभी ये मिक्स हो रहा है धीरे धीरे इसका कलर आ जाएगा। ऐसे मैंने हल्दी कम दिया है पर फिर भी आ जाएगा देखिए अभी। जी बिल्कुल, हमको तो वैसे ही लग रहा है जैसे कि पैकेट में जो ये पैक करके जो बेचते हैं। चलो ठीक है, ये तो देखने से ही बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अब खाते हैं देखते हैं टेस्टी कैसा। खा के टेस्टी। तो दोस्तों देखिए ये मेरा मिक्सचर चूड़ा जो भी इसे बोलिए तैयार हो चुका है, वो भी मार्केट से भी टेस्टी, मार्केट से भी कम रेट में और टेस्टी, साथ में हेल्दी। हेल्दी क्यों है ये पूछिए, हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें तिल्ली है ओवा है सब शेंगाना है तो ये सब हेल्दी चीजें डालिया है इसलिए हेल्दी भी, हेल्दी और टेस्टी। तो दोस्तों आपको एक बता दूं, अगर आप लोग घर में बनाते हो तो आपको पता है मार्केट में कैसे बनाता है कैसे नहीं, वो तो आप लोग को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन अगर आप लोग घर में अपने हाथों से बनाओगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी और टेस्टी बनेगा जो मेरे गणेश जी ने बनाया है। और मुझे लगता है कि इतना अच्छा मेरे गणेश जी ने बनाया कि कोई मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा, मानते हैं कि नहीं जी? मैं तो मानती हूँ। तो इधर से देख सकते हैं हमारे गणेश जी टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके बताएंगे हमारे गणेश जी कैसे बनाए। बोलिए गणेश जी कैसे बनाए, पहले खा लीजिए, पहले मुंह में गया ही नहीं। अरे क्या बताऊं, हाँ देखते ही मुंह में से पानी निकल गया, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब। चलिए मैं भी थोड़ी सी खा लेती हूं। तो ये देख सकते हैं मैंने भी थोड़ा सा हाथ में ले लिया और मैं भी थोड़ी टेस्ट करके देख लेती हूँ कि मेरे गणेश जी कैसे बनाए। गजब, बहुत अच्छा, परफेक्ट, सुपर, वाओ, गजब, सच में छा गया, मजा आएगा। ऐसे बना के जार में भी भर के रख सकते हैं, चाय वाय के लिए खा सकते हैं आराम से, चाय के साथ नाश्ते के तौर पर। हाँ क्या? तो दोस्तों हमारा खाना पीना तो चलता रहेगा, आई होप आज का मेरा गणेश जी का क्या बोलते हैं इसको, रेसिपी बोलेंगे ना क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, मिक्सचर, आज का मिक्सचर गणेश जी का मिक्सचर गणेश जी का मिक्सचर पसंद आए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय दोस्तों। क्या कर रहे हैं गणेश जी? और अभी मैं ड्रेस चेंज कर लिया और अभी आया, फिर से एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी इसी वीडियो के माध्यम से आपको देनी है। वो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप सब लोग गैस सिलेंडर तो वापरते ही है घर पे, तो गैस सिलेंडर अलग अलग कंपनियों का हर घर में आता है, तो गैस सिलेंडर स्फोट क्यों होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो है उसकी एक्सपायरी डेट। तो बहुत से लोग ये जानते भी होंगे, बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते, जो कि अब जान लेंगे। तो इसमें सिलेंडर में यहाँ तीन पट्टी होती है, कहाँ पे? जी एक दो, ये तीन पट्टी होती है। हाँ। इस तीन पट्टी में से यहाँ पर एक्सपायरी डेट होती है ये जनवरी फरवरी मार्च, बी बोले तो अप्रैल मई जून, और सी बोले तो जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना डी। तो बी समझ गए बाबू, यहाँ पर क्या लिखा है, बी ट्वेंटी फाइव बोले तो ए हो गया जनवरी फरवरी मार्च, अब अप्रैल मई जून यानी बी, तो जून 2025 ये इसकी एक्सपायरी डेट। अच्छा अच्छा, जून 2025 तक ये सिलेंडर यूज में आएगा, इस तरीके से एक्सपायरी डेट रहती है। ये भी आप सब सिलेंडर जब भी यूज करते हैं, ये एक्सपायरी डेट जब भी सिलेंडर वाला डिलीवरी बॉय आता है तो ये एक्सपायरी डेट तुरंत चेक कर लेना चाहिए, और अगर वो एक्सपायर है तो उसको रिटर्न कर देना और दूसरा ले लेना।